आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और अच्छी जीवन जी सके। आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज एवं ऋषि मुनि आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करते थे और सैकड़ों साल बिना किसी बीमारी के चपेट में आए जीवन जीते थे। आइए उन खास नियमों के बारे में आज चर्चा करते हैं। उससे पहले कि जो लोग अपने लाइफ में बिल्कुल सीरियस है और अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, वरना आप जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद में सूर्य और चंद्रमा आदि को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक डेली रूटीन बनाया है जिसे हम सभी को मानना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। जो इसे नहीं मानते हैं उन्हें बीमारियों का खतरा 100% रहता है। जानिए हमारा डेली रूटीन आयुर्वेद के अनुसार कैसा होता है। नंबर वन पे आता है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह उठने का सबसे सही समय एक्सपर्ट बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त ही है और हमारे आयुर्वेद में भी यह चर्चा किया गया है। यह वैसा समय होता है जिस समय रात की कालीपन छटने लगती है और उजाला होने लगता है। करीब 3:30 से 5:30 बजे तक का उठना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस समय जगना क्यों इतना जरूरी है आइए जानते हैं। हमारे आयुर्वेद बताता है कि सुबह उठने का यह सबसे सही समय है क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर इस समय उठेगा तो शरीर में मौजूद कफ दोष कम होंगे, वही बात दोष एक्टिव होगा यानी हमारा शरीर और दिमाग दिन भर के काम काज को करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि इस समय हम सभी को उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में इस समय को योग अभ्यास और प्राणायाम के लिए सबसे उचित माना गया है। यह ज्ञान बढ़ाने का भी सबसे अच्छा समय होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज भी इस समय ध्यान लगाकर ईश्वर को याद करते थे। इस समय यदि स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अच्छे से याद रहता है। इसके अलावा आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं और इस समय कोई सपना देखते हैं तो वह सपना आपको याद रहता है। इससे कहते हैं वात दोष का एक्टिव होना। इसके बाद आपको व्यायाम करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम तब तक करना चाहिए जब तक हमारे अंदर आर्म्स में पसीने ना आ जाए। ऐसा होने पर शरीर के सभी अंगों में गर्मी और ऊर्जा पहुंच चुकी होती है। योगाभ्यास या फिर व्यायाम करने से कम आधे घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। वैसे लोग जिनका शरीर कफ के प्रकार में आता है उन्हें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। पित्त प्रकार की श्रेणी वाले लोगों को ठंडे पानी में स्नान करना चाहिए और वात प्रकार के लोगों को थोड़ा गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। दोस्तों आपको वात कफ या पित्त ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर आप इन तीनों दोष को डिटेल में जान लेते हैं वात पित्त और कफ तो आपका लाइफ बिल्कुल सही तरीके से चेंज हो जाएगा और आप फिर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप पहले से कितना चेंज हो चुके हैं। उसके बाद ध्यान के लिए सही समय निकालें। आयुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि नहाने के बाद अब ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत पड़ती है ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे तो अपने सामने ज्योति जलाकर या दिया रखकर उस पर फोकस करके ध्यान लगा सकते हैं। आप नियमित तौर पर ध्यान करेंगे तो दिन भर के काम काज को आसानी से कर पाएंगे और वह मेंटली रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। हमेशा ध्यान करते समय आप खाली पेट रहें। एक्सपर्ट बताते हैं कि भोजन का सेवन करने के बाद हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में ब्लड की सप्लाई दिमाग में सही तरह से जाने की बजाय शरीर के अन्य अंगों में जाने लगती है। इसलिए आपको ध्यान करते समय खाली पेट रहना जरूरी है। इतना कुछ करने के बाद अब आता है कि सुबह का नाश्ता। आयुर्वेद में लिखा है कि हमेशा सूर्य के निकलने के बाद ही नाश्ता करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आसमान में सूर्य निकलने लगता है ठीक वैसे वैसे ही शरीर में अग्नि तत्व एक्टिव होते जाते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि सूर्योदय से पहले यदि आप उठे तो आपको भूख नहीं लगती है। यदि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद की बताई गई दिनचर्या के अनुसार उठे तो उसे सुबह 8 बजे के बाद ही भूख लगती है। हेल्दी व्यक्ति के शरीर में इस समय तक मेटाबॉलिक एक्टिव शुरू हो जाती है। आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमें सुबह के नाश्ते में हल्का भोजन खाना चाहिए क्योंकि शरीर का पाचन तंत्र रात भर विश्राम मुद्रा में रहता है। ऐसे में यदि आप
काफी ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके पाचन क्रिया पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद शुरू होता है दोपहर यानी कि लंच। हम लोग जानते हैं कि नाश्ता करने के आधे घंटे बाद हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक आप अच्छे से काम कर सकते हैं। 1 बजे तक सूर्य की किरणें काफी तीखी होती है। इस समय शरीर को काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में इस समय हमें अच्छे से भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम लोगों में से 90% लोग दोपहर में सोते हैं। भारत में आमतौर पर कई लोग दोपहर में घर आकर आराम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दोपहर में सोने का जिक्र नहीं है। जब गर्मियों में तापमान अधिक हो तो आप उस समय थोड़ी देर तक आराम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरल आपको दोपहर में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद शुरू होता है शाम का समय। आयुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि शाम के लिए लोगों को अपने पसंद के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस समय आप कुछ अलग काम कर सकते हैं और इसमें अपने फैमिली को मेंबर को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि खेलना, गाना गाना, पेंटिंग करना या आदि आपका कोई हॉबी हो सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद शरीर में खाना पचाने की ताकत काफ़ी धीमी हो जाती है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद ही हमें अपना रात का भोजन कर लेना चाहिए। इस समय आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। खाना खाने के बाद सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हो रहे म्यूकस सिक्रेशन कंट्रोल में रहता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत सोने से मोटापे की समस्या हो सकती है। शरीर में भारीपन के साथ दिमाग पूरी ताकत से सोच नहीं पाता है। रात्रि के समय आपको इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि कई जीव ऐसे होते हैं जैसे कि उल्लू, वो रात में जगते हैं, लेकिन इंसान उन जीवों में आता है जो रात में सोता है। ऐसे में हम सभी को रात में सोना चाहिए। वैसे लोग जो रात में जरा देर तक जगते हैं, सोते नहीं हैं, उन्हें बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत जागकर काम करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बेड का भी जिक्र किया है। सोने के लिए बेड की हाइट इंसान के घुटने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कफ की श्रेणी में आते हैं, जिनकी बॉडी मास जल्दी बढ़ता है, उन्हें कम सोना चाहिए ताकि शरीर ज़्यादा देर तक एक्टिव मोड में रहे। जिन लोगों का शरीर पित्त की श्रेणी में आता है, उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और जिनका शरीर वात की श्रेणी में आता है, उन्हें 8 घंटे से अधिक सोना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज के समय में भले ही जमाना बदल गया है, कंपनियों में लोग रात रात भर काम करते हैं। ऐसे में इस रूटीन को फॉलो करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहे तो इन रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। वही आज भी लोग ऑफिस जाते हैं और अपना रोज का काम करते हैं, बस जरूरी है कि अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाते। हम जानते हैं कि पहले के समय में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक थे, यही वजह है कि वे अपने आयुर्वेदिक रूटीन हमेशा अपनाते थे। दोस्तों, अगर आप इन सारे टिप्स को जो मैंने इस वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार बताया है, इसे अपनाते हैं, तो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद।